गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आवाज आ रही है गुड गुड मॉर्निंग लास्ट चैप्टर लास्ट टॉपिक चैप्टर का शाबाश गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अन अकेडमी नीट वी आर गोइंग फॉरवर्ड विद प्लांट किंगडम का लास्ट टॉपिक दैट इज एंजियोस्पर्म्स ठीक है हमने ऑलरेडी हालगी ब्रायो ट्रेडो जिम्नो तक कंप्लीट कर लिया था जिम्नो के कुछ कैरेक्टिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट है मैंने बोला था मैं आज कवर कराऊंगी दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन साइकिस एंड पाइनस अलोंग विद इट वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद एंजियोस्पर्म्स ऑलराइट तो जो भी बच्चे पार्टी नए हैं बिल्कुल और नहीं जानते क्या हो रहा है बिना नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री दोनों के लिए इलेवंथ को डिटेल में पढ़ाया जा रहा है इन दिस बैच दैट इज कॉल्ड मेधावी बैच फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री आप लोग इसको रेफर कर सकते हो बॉटनी के सेशंस होते हैं साढ़े ग्यारह बजे और बाकी सारे रिस्पेक्टिव टीचर्स के टाइमिंग आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं ठीक है फिजिक्स के लिए महेंद्र सर एट एम अनूप सर की क्लास होती है फिर केमिस्ट्री की एट टेन मैम इज एट एंड मैम का सेशन uh, होगा तीन बजे ठीक है तो जो बच्चे बिल्कुल ही नए हैं बिल्कुल नहीं जानते आईम को मिल याद है आई भी देखेंगे बॉटनी ऑन नीट नीट सेवन थर्टी का टाइमिंग है बेटा ठीक है इलेवन थर्टी ए एम ऑन यूट्यूब प्लस पे हमारे सेशन होते हैं पांच बजे लेकिन आज क्योंकि प्लस का सेशन नहीं था तो मैंने इसी पांच बजे स्पेशल क्लास लगाई है एक जिसमें आज प्लान किंगडम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके हम अटेम्प्ट करेंगे वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ प्लान किंगडम एट 5 पीएम ऑन स्पेशल क्लास एब्सोल्युटली फ्री सेशन है जो ऊपर आप जहां चार्ट में टाइप कर रहे हो ना ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा दैट इज द लिंक दैट वी गो फॉरवर्ड वहीं पर आपको सारे सेशन की डिटेल्स मिलेंगी आई विल बी डूइंग अ प्रॉपर हंड्रेड क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है आप लोग आराम से क्लास में क्विज कर सकते हो एक इंटरक्टिव क्विज होगा लाइव रैंक आएगा राइट लेट्स ट्राई एंड बी ऑन द लीडर बोर्ड टॉप में आने की कोशिश करेंगे आज क्लास में एंड यहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी बाई चांस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आज दो स्पेशल क्लासेस हैं फ्री क्लासेस हैं आन अकेडमी के ऐप पे पहली फ्री क्लास है पांच बजे जिसमें हम प्लांट किंगडम के क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है एंड द सेकेंड क्लास इज एट नाइन पी एम जिसमें हम मोर्फॉलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं मोरफॉलोजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के क्वेश्चन ठीक है जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है ऑन प्लस तो प्लस के भी क्लासेस में क्वेश्चन होते रहेंगे डाउट क्लियरिंग होता रहेगा एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन प्लस एज वेल एज फॉर मेंटोशिप यू कैन जॉइन मी ऑन Iconic. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोमल लाइफ कोड यूज द कोड एंड यू कैन ज्वाइन क्विकली क्योंकि नेक्स्ट वीक मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रैटेजी सॉरी माइक्रोव्स एंड एनवायरमेंटल इशूज एनवायरमेंटल इशूज दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ ट्वेल्थ क्लास प्लस माइक्रोब्स ये दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे ऑन प्लस लीडिंग टू कंप्लीशन ऑफ प्लस बैच उसके बाद दोबारा से शुरू करूंगी मैं ट्वेल्थ क्लास विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स ठीक है तो कोई भी बच्चा अगर ये सोच रहा है कि मैम सब्सक्रिप्शन लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो ये चीज शुरू होगी प्लस इलेवंथ क्लास के लिए प्लांट फिजियोलॉजी इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन प्लस इन अक्टूबर तो थोड़ा सा चीजों को समझ पाओ उससे उसके लिए आप पहले एक बार ज्वाइन करो ताकि चीजें ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आए ठीक है जैसे मान लो कल ही पे कल चैप्टर शुरू होना है आप आज प्लस पे आते हो आप बड़े बौखलाए बुखलाए से गुम गुम से रहोगे ठीक है नई जगह है ना नया टाइम नई चीज है नया आप है समझने में टाइम लगता है प्रोसेस में आने में टाइम लगता है तो एटलीस्ट अगर कोई बैच शुरू हो रहा है तो उसको एक हफ्ता पहले ज्वाइन करो ज्वाइन प्लस एटलीस्ट अ वीक प्रायर ताकि आप और टीचर्स को भी देख सको क्लासेस में जा सको देख सको कौन से टीचर से आप कनेक्ट कर पा रहे हो एंड देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ठीक है तो ये जस्ट एक नॉर्मल सा टिप मैं देना चाह रही थी बच्चों को क्योंकि बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है एक दो दिन का टाइम तो मिनिमम लग जाता है और अगर आपके स्कूल्स हैं तो आप स्कूल के साथ डील कर रहे हो टैकल कर रहे हो इट टेक्स सम टाइम है ना दो तीन चार दिन ग्रेस लेके चला करो ऐसा नहीं कि आज बात शुरू हुआ और आज ही आप क्लास में घुसे और फिर सब कुछ नया लग रहा है फिर टेंशन हो रही है क्लास है ये वो थोड़ा रिलैक्स चलता है ठीक है चलो ओके साइकस एंड पाइनस ये मैंने आपको लिखने को दे दिया था आपके पास शायद अभी लिखा हुआ होगा राइट right. कितने बच्चों ने ऑलरेडी ये चीज लिख ली है कल के नोट से जस्ट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मेरा मैंने दोनों क्लासेस उसी टाइम पे रखे हैं जिस टाइम मेरी क्लासेस होती हैं तो प्लस पे जो क्लास होती थी मेरी पाँच बजे उसकी जगह पे ही मैंने क्लास रखी है अब अगर किसी के साथ क्लास हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी यू कैन टेक योर प्रायोरिटीज ऑन दैट ठीक है हाँ जी चलिए ओके okay, बढ़िया गुड और पॉइंट नंबर वन प्लांट बॉडी दिखता कैसा है साइकिस साइकिस इज अ डायशियस डायशियस मीन्स फीमेल अलग पे रहता है मेल अलग पे रहता है आई हैव टू डिफरेंट प्लांट बॉडीज वन इज मेल एंड द अदर इज फीमेल डाई मीन टू ईश मीन्स होम मेल और फीमेल के अलग अलग घर है पाइनस ऑन द अदर हैंड इज मोनो ईशस एक ही प्लांट पे फीमेल एज वेल एज मेल आर प्रेजेंट मोनो मीन वन ईश मीन्स होम मोनो ईशस क्लियर ये शॉर्ट है हाइट में ये टॉल है हाइट में अगला पॉइंट रूट कोरोलॉइड रूट ना वॉट इज अ कोरोलॉइड रूट यहां पे ना दो रूट होंगे कोरोलॉइड रूट प्लस नॉर्मल रूट नॉर्मल रूट तो जैसी होती है वैसी ही है बेटा लेकिन कोरोलॉइड रूट डू नॉट हेयर और कैप रूट हेयर और रूट कैप नहीं है इसके पास ठीक कर क्या ये इट शोज एसोसिएशन विद एनाबीना एनाबीना बीना क्या है ब्लू ग्रीन आलगी ब्लू ग्रीन आलगी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा आपको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा ठीक है रूट लुक लाइक दिस इट लुक्स लाइक कोरल्स है ना ये पहले भी बहुत बार दिखाया मैंने दिस इज योर कोरल तो वो रूट ऐसा ही दिखता है ऐसे लट्टू लट्टू सा ठीक है सो so, ये ये एक्चुअल कोरल हो गया कोरोड रूट इज लुकिंग लाइक कोरल्स देखो मैं इधर आ जाऊ मेरे सामने हाँ दिस इज बेटर ब्लैक के बैकग्राउंड में ज्यादा बेटर देख रहे हैं ठीक है कोरोक एंड हैव एसोसिएशन विद एनाबीना और नॉन स्टॉक भी हो सकता है बट ज्यादातर एनाबीना होता है एंड क्या करेगा एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी है रूट के अंदर रहती है सिम्बाइसिस में इस फेड को नाइट्रोजन फिक्स करके देती है ऑन other अदर in इन पाइनस द रूट you यू सी tap root विद mycorrhiza. Mycorrhiza increases absorption, increases absorption ऑफ water एंड मिनरल्स ठीक है ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम ज्यादातर फॉस्फोरस पोटासियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा बेटा As I have told also, is a जो सिर्फ प्रो कैरियो के पास है, है।, है साथम फैल जाता है उसका पानी एब्सॉर्ब कर, कर ला देगा न्यूट्रंट एब्सॉर्ब करके कर ला देगा लेकिन अलग से अगर आप ये बोलोगे कि, कि एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स कर देगा क्या नहीं ठीक है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके साथ है इसके साथ फंगस है जो एब्सॉर्बन में हेल्प कर देता है नेक्स्ट स्टेम अनब्रांच ब्रांच सिंपल ज्यादा कुछ नहीं है और जब ये टूटती है ना गिर जाती है पत्ता है पुराना है सूखेगा गिर जाएगा लेकिन उसका बेस चिपका रह जाता है स्टेम को ठीक है तो परसिस्टेंट लीव बेस चिपकू एकदम परसिस्टेंट एकदम चिपक गया ठीक है परसिस्टेंट लीव बेस विद यंग सिरसिनेट सिरसिनेट कैसा होता है छोटे लीवे ऐसे ऐसे कॉइल्ड मिलेंगे आपको दिस इज नोन एज सिरसिनेट कंडीशन तो जो यंग लीव है वो ऐसे अंदर की तरफ कॉइल्ड होते हैं धीरे धीरे जब वो खुलता है ना तो ऐसे ऐसे लीव खुलता चला जाता है ठीक है सिरसिनेट लीव्स ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वेल डिफाइंड नाउ वॉट इज द ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज टिश्यू ऑफ लीफ जब आप लीफ को कट करोगे ना तो अंदर बैकग्राउंड में एक टिश्यू होता है ऑल द सेल्स इन द बैकग्राउंड उसको हम जिम्नोसम्स में बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ठीक दैट इज नोन एज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इन साइकिस जबकि यहां पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज लेस डेवलप्ड और मेरे पास दो तरीके के लीव्स आएंगे जब आप इधर इस देखो इसमें पाइनस देखोगे आपके पास लीव्स ऐसे ऐसे गुच्छे में होते हैं राइट दीज आर नोन एज नीडल्स इनको हम क्या बोलते हैं नीडल्स और यूजुअली इनके बेस पे हमारे पास स्केल लीव्स भी होते हैं गुच्छे में स्केल लीव्स और उसमें से निकलते हुए नीडल्स, बहुत सारे ऐसे पतले पतले है ना आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाओगे तो आपको दिखेगा एकदम पतले पतले डंडी डंडी जैसे दिखता है ग्रीन कलर का पेड़ पे लगा हुआ है नीचे गिरता है तो पतली पतली डंडी ब्राउन ड्राइज अप डेड ठीक नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वुड मैनोजिक वुड मैनो एम फॉर मैनो एम फॉर मोर पैरन मोर पैरन अगर ज्यादा पैरन कायमा है इसका मतलब वुड सॉफ्ट है पैरनकाइमेट टिश्यू वॉट इज पैरनकाइमा पैरनकाइमा इज अ बैकग्राउंड टिश्यू जो प्लांट में यूज करते हैं हम लिविंग टिश्यू है जबकि वुड डेड होता है बेटा पूरा वुड बेसिकली इज द डेड पार्ट जिसमें ज्यादातर जाइलम होगा ओल्ड कंडक्टिंग पाइप पुरानी पाइपें थी ठीक है अब उसके अंदर अगर ज्यादा मेरे पास लिविंग टिश्यू भरा होगा तो सॉफ्ट होगा वो वुड इसलिए उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है वहीं पे पिकनोज हैज लेस पैरन कायमा लेस पैरन कायमा लेस पैरन कायमा मीन्स इट इज मोर हार्ड वुड हेंस ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पाइनस की लकड़ी हम फिर भी फर्नीचर वगैरह चीजें बनाने में यूज कर लेते हैं साइकस की लकड़ी हम नहीं यूज कर पाते बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट वुड ठीक दूसरी चीज आती है एनुअल रिंग्स ये वाला जो पॉइंट है ना ये पॉइंट वुड वाला पॉइंट इट विल बिकम मोर क्लियर वेन वी डू अनाटमी तो अगर आप चाहो तो यहां स्टार बना के लिख सकते हो अनाटमी में समझ आएगा ठीक है क्योंकि ये चीजें और डिटेल में आएंगी एनुअल रिंग्स क्या होता है नो एनुअल रिंग्स इसमें एनुअल रिंग्स प्रेजेंट है एनुअल रिंग्स क्या होता है जब आपका प्लांट गर्थ में मोटा होने लगता है ना फूलने लगता है साइड में ग्रो करने लगता है उस टाइम पे उस ग्रोथ के टाइम पे नया टिश्यू बनाया जाता है ठीक है अब वो नया टिश्यू मौसम के हिसाब से बनाया जाता है अगर बहुत गर्मी है तो थोड़ा तो मुझे थोड़े मोटे मोटे पाइप लगाने पड़ेंगे अगर नहीं है ज्यादा गर्मी ठंड पड़ रही है बिल्कुल नहीं है कुछ ज्यादा चेंज तो पतले पतले पाइप से भी काम चल जाएगा तो मोटे पाइप का एक रिंग पतले पाइप का एक रिंग मोटे पाइप का एक रिंग पतले पाइप का एक रिंग तो ऐसे ना पूरे साल में यू गेट अ डार्क रिंग एंड अ लाइट रिंग टुगेदर दे आर नोन एज एनुअल रिंग्स नाउ दिस विल बी टेकन इन डिटेल्स इन एनाटॉमी चैप्टर जिस बच्चे ने सेशन रेफर किया होगा वो कर सकते हैं पुराने सेशन भी रेफर लेकिन अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो आई विल बी कंप्लीटिंग इट इन एनाटॉमी डोंट वरी अगले Vegetative propagation. कोई ऐसा तरीका ना बनानी पड़े और पेड़ को मैं प्रोपोगेट करोटे छोटे और बर्ड्स बट पाइनस देर इज नो मेथड ऑफ ए सेक्शुअल कह सकते हो या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कोई तरीका नहीं है हमारे पास ठीक है मैडम लिख लिया यहां तक आ गया समझ चले आगे हाँ बल्ब एंड बड्स बर्ड्सोजी चैप्टर में आपने सुना होगा स्टेम के और बड इज रिड्यूस्ड शूट छोटा सा बड तो पता ही है छोटा सा बड आएगा बेस पे आता है यूजुअली ठीक है उनको प्रोपगेशन में यूज कर लेते हैं सो दिस इज ऑल वेजिटेटिव पोषन ये सारा वो पार्ट था जो वेजिटेटिव था अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पे ठीक है कल के नोट्स पलट के देखो हमने बनाई थी लाइफ लाइफ साइकिल साइकिल में हमने बोला था मेल कोन फीमेल कोन कोन है ना मेल देर आर टू टाइप्स ऑफ कोन प्रेजेंट मेल कोन इज लार्ज फीमेल कोन कोन इज लूजली अरेन्ज साइकिल्स की फीमेल कोन ऐसे होता हो है हाथ गिरे हुए हो जैसे ऐसे हाथ हाथ जैसे ढीला ढाला सा ठीक

हमारे पास अगर ये कोन्स है ठीक है इफ दिस इज द मेल कोन देन एक इंडिविजुअल कहलाता है माइक्रो स्पोरो और वो माइक्रोस्पोरोफिल के बेस पे कैविटी होती है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा उस कैविटी को हम बोलते हैं स्पोरजियम तो माइक्रो स्पोरेंजियम माइक्रो स्पोर एंजियम ठीक है और माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल लॉइडी टू एन इसमें मियोसिस होगा याद आया ना ऐसे ही फीमेल के लिए भी था फीमेल कौन तो उसका एक टुकड़ा मेगा स्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल में मेगा जो कि ओव्यूल था और उसके अंदर मिलेगा आपको मेगास्पोर मदर सेल सो द सेम ऑर्डर वी विल बी गोइंग टू टेक इन दिस टेबल। ये एट पॉइंट ना जो नीचे लिखा हुआ है बेटा इसी को यहां पे लिखा 8 है एट पॉइंट यहाँ सेम है एट पॉइंट रिपीटेड है ऊपर हो गया बस यहां पे ठीक द मेल न्यूमरस स्पोरेंजिया ऑन अबैक्शल सर्फ बेस की तरफ बहुत सारे स्पोरांजिया मिल जाएंगे आपको ठीक है टू स्पोरांजिया एट दी अब सर्फिस सिर्फ दो स्पोरांजिया है उसके पास तो इन एवरी माइक्रोस्पोरोफिल यू विल हैव टू स्पोरांजिया अटैच इन पाइनस और मल्टीपल स्पोरांजिया अटैच इन साइकिस फिर मेल गेमिटोफाइट कौन है मेल गेमिटोफाइट पोलन ग्रेन इसका नॉर्मल पोलन है बेटा मान लो ऐसा ठीक इसका पोलन ऐसा मिकी माउस जैसे दिखता है बाहर वाला जो लेयर है ना वो ऐसा फूल जाता है बाहर वाला सबसे बाहर वाला जो वॉल है पोलन का वो फूल जाता है सबसे बाहर वाला वॉल ऑफ वाल पोलन इज नोन मतलब फूला हुआ एक्साइन ठीक अब ये चीजें कुछ कुछ नई और थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा लगेंगी क्योंकि एन में नहीं दिया है ठीक है एनसीआरटी में नहीं दिया है बेटा लेकिन और पाइनस का ऐसा कोई पेपर नहीं रहा है जिसमें एक क्वेश्चन पाइनस से ना आया हो सो मेक श्योर मेक श्योर कि ये आपके पास नोट्स में हो क्योंकि आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों और कुछ नहीं दो ट्वेल्थ में जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स का पढ़ लोगे काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड इट विल ऑल स्टार्ट मेकिंग सेंस सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी आप अपने आप समझ जाओगे ठीक है सब कनेक्शन बन जाएगा थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरे चैप्टर से भी कनेक्शन होता है ना कोई भी चैप्टर आइसोलेशन में नहीं कवर होता कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट किधर तो मिलेगा ही तो उधर मिलाने के लिए चीजों को लिखा होना जरूरी होता है नोट्स में कि हाँ ये पढ़ा था कहां पढ़ा था तो मैं पलट सकूं अपने नोट्स ठीक है चलो नेक्स्ट एंट्रोजॉइड मेल गेमीट्स मेल गेमीट्स मल्टी सीलिएटेड मोटाइल है इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड लार्ज इसके मेल गेमीट्स आर स्मॉल एंड इमोटाइल और नॉन मोटाइल उसके अंदर फ्लाजिलेटेड स्ट्रक्चर कहीं कहीं पे इस पर फ्लाजिला दिया होता है कहीं कहीं इस पर सीलिया दिया होता है ठीक है इस वाले में बस बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि साइकिस का मेल गेमीट अभी भी मोटाइल है आप देखो टेलीडो आइटम में मोटाइल ये मीट्स चाहिए थे मुझे मैं जिम्नो में मूव कर गई हूँ मुझे चाहिए नहीं मोटाइल ये मीट लेकिन मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है तो एक एवोल्यूशनरी बैगेज चल रहा है एनजीओ में खत्म हो जाएगा एनजीओ में ऐसा कुछ नहीं बचने वाला ठीक है अगला मेगा स्पोरो फीमेल लूजली अरेन्ज वो सारे सारे ऐसे पत्ते पत्ते से होते हैं ठीक है ऐसा हाथ जैसा होता है इमेजिन कर लो यहां ओव्यूल लगे होंगे तो माइक्रो मेगा स्पोरोफिल पूरा नो ट्रू ट्रूकोन मेनी ओव्यूल्स पर मेगा स्पोरो हर मेगाफिल पर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे होते हैं एलोंग एट इन एक्सिस स्केल वन ओव्यूल पर मेगा स्पोरोफिल अब देखो ये अगर ऐसा है यहां पे एक ओव्यूल ये दूसरा ओव्यूल एंड देर इज प्रेजेंस ऑफ एन ओव्य स्केल ठीक है स्केल हल्का से एक सा एक पेपर सा कवरिंग होता है ये ओव्यूल्स के पीछे तो ओव्यूली फेरस स्केल इज प्रेजेंट नेक्स्ट फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो एंडोस्पॉम सॉरी फीमेल गेमिटोफाइट एंडोस्पॉम आपको याद होगा कल वो ब्लू स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें रेड कलर के छोटे छोटे आर की गोनिया बनाए थे द देंडोसपॉम विच इज द फीमेल गेमिटोफाइट इज अप्लॉयड इन कंडीशन है क्योंकि फीमेल गेमिटोफाइट होगा इसमें दो से तीन आर की गोनिया है यहां दो से आठ आर की गोनिया है वो हमने जो दो बनाए थे ना रेड कलर के आठ है यहां एट सो यू कैन अंडरस्टैंड की दैट यू माइट गेट एट एम्ब्रियो इन सिंगल सीड एक में आपको आठ एम्ब्रियो मिल सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी वन सीड विल गिव राइज टू विफरेंट एम्ब्रियोजी ओके टाइम्स ऑफल ऑर्थोट्रोपस ऑफ व्यूल देखो ऑर्थोट्रोपस ऑफ व्यूल होता है ऐसा स्ट्रेट ये पोर जो ओपन होता है इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं कल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था ऑपोजिट एंड इस चलाजल और ये नीचे वाली डंडी फ्यूनिकल सो दिस इज अ स्ट्रेट ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल किस में मिलेगा साइकस में पाइनस में यू विल फाइंड एन इन्वर्टेड ओव्यूल जो हम टिपिकल बनाते हैं ये वाला माइक्रोपाइल नीचे की तरफ घुमा हुआ चलाजल यहां फ्यूनिकल यहां माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल पैरल आ जाएंगे एक दूसरे को 180 डिग्री घूमा हुआ इनवर्टेड पॉलिनेशन इज बाय विंड दोनों में विंड पॉलिनेटेड है क्योंकि पानी तो है ही नहीं जेरो कंडीशन में डेवलप हुए थे वो तो है ही नहीं सीड टू कॉटलिडन मेनी कॉटेडन पेरिस्पोमिक पेरिस्पोमिक का मतलब होता है लेफ्ट ओवर न्यू सेलिस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे यहां एंडोसपम था ना बेटा एंडोसपॉम ने सारा नरिशमेंट बाहर से खींच लेना है एंडोसपॉम सारा नरिशमेंट न्यू सेलस से खींचेगा और उसके बाद आर गोनिया को दे, दे देगा आर की गोनिया अंदर लेके जायगौर लेके बैठा है से एम्ब्रियो एम्ब्रियो से दूसरा प्लांट डेवलप कर रहा है वो एम्ब्रियो डेवलप करता चला जाएगा तो सारा न्यू सेलेस खत्म हो जाता है अंदर का बट कभी कभी बच भी सकता है If the new cellus is left over, the seed is known as perispermic seed. If not, then non-perispermic. Okay? Clear? Right. Largest ovules of cycles. Done. Moving to angiosperms, the most advanced category of plants. Most advanced category of plants. Ready? Can they complete? Shabash! Shabash! Good. Angiosperms, also known as flowering plants. ब्लांट। दूसरा हमने चार एल्फ वो लिखे थे एम्ब्रियो ट्राक्योफाइट वगैरह वो सब हो चुका है सब हो चुका है तो ये ऐसा पेड़ है हमारे पास जो सारी कैटेगरी में आ रहा है अगर मैं इसको अलग से लिख दूं विद रिस्पेक्ट टू द टर्मिनोलॉजी दैट वी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से तो ये एम्ब्रियोफाइट्स भी हैं लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है एम्ब्रियोफाइट्स हुए प्लांट को आरसा हो गया ब्रायो के बाद से एम्ब्रियोफाइट ही है वो कोई नई बात नहीं है दूसरा ट्राइक्योफाइट्स वैस्कुलर सिस्टम डेवलप करे भी अर्था हो गया टेरिडो में डेवलप हो गया था सीड भी इससे पहले आ चुका है स्पोमैटोफाइट्स स्पोमैटोफाइट्स एंड फोर्थ फिनेरोग विजिबल सेक्स ऑर्गन्स ये भी हो चुका है जिन्होंने कर दिया था ये ठीक है सीड भी जिम्नो ले आया था तो ऐसा क्या नया इसने किया ब्रायो में एम्ब्रियो आया वो लैंड पे आया है ना स्पोरोफाइट के ऊपर मैं लगे मीटोफाइड पर स्पोरोट डिपेंडेंट हुआ काफी कुछ किया उसने अकेले खेल ने टेडोफाइटो ने तो बहुत कुछ किया हेट्रोस्पोरस बनाया मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक बनाई ठीक है वैस्कुलर सिस्टम डेवलप किया प्रिकर्सर टू सीड हैबिट आया बहुत चीजें करी उसने फिर हम जिम्नो में आए जिम्नो ने सीड बनाया प्रॉपर They were the first spermatophytes. Teredo was first, tracheophytes. Bryo, uh, bryo was first, embryophytes. What is advanced, eh? What is the different thing that it has done? It has done these marvelous structures known as flower. Extraordinary reproductive structures. take Flowering plants. एनजियो एनजियो वर्ड जो है वो वो ऐसे जिसमें का हो हो, और बनाते ठीक है? के अंदर हमारे पास जो टेरिडो था एंड जिम्नो था बॉडी इतना बड़ा नहीं कि पानी और फूड ज्यादा कंडक्ट करने की जरूरत पड़े और दूसरे गांव के पास पानी ही नहीं तो इन दोनों का काम चल जा रहा था बाई यूजिंग जाइलम के लिए मतलब पानी के कंडक्शन के लिए ट्रेकि एंड फ्लोएम के कंडक्शन के लिए सीव सेल्स प्लस एल्ब्यूमिनस सेल्स

बिकॉज आई नीड अ बेटर कंडक्टिंग सिस्टम फॉर वॉटर और फ्लोएम में थोड़ा सा अलग बना लूंगा बस मैं सीव सेल्स सीव ट्यूब सेल्स प्लस कंपेनियन से आई सेल्स की जगह मेरे को दे दो कंपेनियन से ज्यादा डिफरेंस नहीं है कंपेनियन सेल एल्बीमस सेल और सीव ट्यूब सेल और सीव सेल में लेकिन ओरिजिन का डिफरेंस है थोड़ा सा कि कौन से पहले सेल्स थे जिनसे बना ठीक तो एंजियोस्पर्म ने एक स्टेप लिया थोड़ा ज्यादा बेटर बॉडी बनाने में बेटर अडेप्टेड स्ट्रक्चर्स बनाने में एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लॉरिंग स्ट्रक्चर्स तो अगर आप प्लांट में एवोल्यूशन देखते हो याद है आपको टेरिडो ने क्या करा था टेरिडो ने बोला कि सारे पत्तों पे स्पोर्स बना लेता हूं है ना डू रिमेंबर दिस ये मैंने वोल्यूशन वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा बताया था कि पहले सारे पत्ते थे ऑल वर लीव्स एंड ऑल टू प्रोड्यूस स्पोर्स सब पे स्पोर बन रहा था जितने भी स्पोर बनाने वाले लीव्स थे हमारे पास इन सबको रिड्यूस किया गया इन सबको रिड्यूस किया गया और इनको भी और पतला पतला कर दिया तो यहां पे अभी भी स्पोर बन रहा है मान लो अगर आप ये मैं नहीं कर रही हूं ये दो दिन में नहीं होगा ये तुम्हारे बाहर बैठा हुआ ऐसा नहीं है कि तुमने अगर टेरिडोफाइडा लगाया अपने घर में फर्न लगाया तो फूल बनाने लगेगा थोड़े टाइम में दिस इज एवोल्यूशन रिडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर अब इधर से धीरे धीरे हम आ गए वुडी स्ट्रक्चर पे अगर आप कॉन्स देखोगे प्रॉपर इसके जिम्नोस्पोम्स के तो आपको ऐसे कोन्स दिखते हैं

थोड़ा सा बदले में दे देंगे उसको थोड़ा बहुत काम है ना तो उन्होंने क्या कहा कि इनस्टेड ऑफ दिस वट में अगर आप इमेजिन करते हो चार कंजेकेटिव नोड्स ये चार नोड्स है ठीक चारों नोड्स पे पत्ते हुआ करते थे थ एवल्यूशन दीज लीव गॉट मॉडिफाइड एंड गॉट रिड्यूस्ड ठीक ये नीचे वाला पत्ता मान लो पत्ता ही है अभी तक भी लेट्स ड्रॉ दिस एज हा नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड पे आपके पास ऐसे मॉडिफाई हो गया ब्राइटली कलर्ड लीव्स थर्ड नोड द लीव्स गॉट मॉडिफाइड इन टू सच अ स्ट्रक्चर म ठीक एंड लास्ट दीज leaves गॉट मॉडिफाइड into gynoecium, carpels. कार्पल्स ठीक है क्लियर और अगर आप इनके बीच के इंटरनोड्स हटा दोगे बेटा अब तो क्या होगा आप इसको कॉम्पैक्ट कर दो तो। आपको पता नहीं बचपन में होता था कि नहीं होता था मेरे स्कूल में तो आते थे वो आ, पेपर फोल्डिंग और कटिंग से फ्लावर बनाना और वो बस वही बना पाते थे हमसे नहीं बनता था लेकिन मुझे याद है नहीं वो बड़ा बड़ा सा लंबा सा फ्लावर बनाता था उसको ऐसे प्रेस करते थे ड्रूम करके नीचे जाता था पूरा फूल बन जाता था अभी पता नहीं आई डोंट थिंक अभी आते होंगे वो पेपर फोल्डिंग कटिंग से आता था वो पता नहीं ये एग्जाम्पल भी थोड़े दिन ही चलेगा फिर नहीं चलेगा ठीक है तो इसका इंटरनोट हटा दोगे अगर आप तो ये दो वर्ल्स लो इधर आया ये डंडी तो है ही नीचे इसके बाद आपके फ्लार देन यू हैव एंड्रोशम एंड देन यू हैव गाइनोशियम ठीक नाम देना पड़े मुझे तो मैं क्या नाम दूंगी पत्ते ही तो थे सारे ऑल लीव्स दैट गॉट मॉडिफाइड ठीक है और जो लीव स्पोर बनाता है उसको क्या बोलते हैं स्पोरोफिल जो लीव स्पोर बनाएगा उसको क्या बोलोगे स्पोरोफिल मेल स्पोर बनाएगा तो माइक्रो स्पोरोफिल मेल स्पोर बनाने वाला लीव जो मॉडिफाई हो गया है इनटू नथिंग बट स्टेमिन ठीक है ये मेगा स्पोरोफिल नथिंग बट कार्पल के नाम से जानते हो आप इसको बचपन से साइंस टिकमा ओवरी पूरा कुछ एक पत्ता हुआ करता था शायद कभी किसी सदियों 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 पहले अब फीमेल स्पोर कैरी करेगा तो पूरा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रिप्रेजेंटिंग मेगा स्पोरोफिल इट इज इक्वलेंट टू मेगा स्पोरोफिल ठीक है करेक्ट एब्सोल्यूटली करेक्ट आ गया समझ ठीक अब लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं अब लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं एनजीओ की लिख लिया यहां तक तो मैं आगे बढ़ू डन होता तो उसको भी नहीं छोड़ते तुम लाइफ साइकिल ऑफ एनजीओ लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्म इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन डिप्लॉन्टिक क्या है ये मेजरली अपनी जिंदगी डिप्लॉइड फेज में गुजारती है ठीक है चलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टार्ट कैसे करें लेट स्टार्ट विद अ फ्लावर ओनली ठीक है थोड़ा सा खिचड़ी होने की संभावना यहां है ठीक तो कुछ चीजें मैं अलग लिखूंगी तुम लोग भी कुछ चीजें अलग लिखोगे दूसरे पेज पे लेकिन कोशिश करना की एंजस्पम देखो अच्छा पहले एक बात बता देती हूँ एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल है उस पर पूरा चैप्टर है इस चैप्टर से एंजियोस्पर्म पे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में एक डिटेल चैप्टर है आपके पास दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स ठीक है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट से ही क्वेश्चन आएगा अगर एनजियो पे कोई क्वेश्चन आया तो कि सिर्फ एक ही लाइफ तो दूंगी तुमको question, question बन सकता है ना? तो ऐसे में हमें जनरल ओवरव्यू लेना है हमको पूरी कहानी का डिटेल यू विल गेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लॉरिंग प्लांट्स इन ट्वेल्थ क्लास ठीक अब आप क्या करोगे बेटा चाहे आपके पास पिछले वाले पेज पे जगह बची हो ठीक है अगर हो सकता है कि आप मान लो यहां लिख रहे थे और पेज अब बहुत सारा बचा हुआ है तो अब आप क्या करोगे ना यू टर्न एंड आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ होल लाइफ साइकिल पूरे पेज पे दो पेज पे क्योंकि ये एक जगह लेगा और मैं ना बिल्कुल सेंटर से लाइफ साइकिल बनाना शुरू करूंगी इसकी मिडिल से सो स्टार्ट ड्रॉइंग फ्रॉम हियर या एक साइड से बना लेना और पूरे पेज दोनों पेज पे आएगा कंबाइन लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा है क्योंकि प्लांट भी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बड़ा है ठीक है सो आई होप यू इट हाउ टू राइट इट डाउन लेट्स गो ओके स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर ये जो डंडी है इसे हम बोलते हैं पेडिसिन

Brightly कलर्ड second wall corolla petals के नाम से जानते हो आप उसके एक एक unit को ठीक नेक्स्ट एंड्रोशियम थर्ड वर्ल्ड एंड्रोशियम एंड्रोशियम represents द मेल सेक्स organ एंड्रोशियम रिप्रेजेंट मेल सेक्स ऑर्गेन और एक एक को आप बोलते हो स्टेमिन इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज स्टेमिन स्टेमिन में होते हैं दो पार्ट ऐसा स्टेमिन ऊपर वाला बल्बस एंड थर एंड स्टॉक नोन एज फिलमेंट स्टॉक इज नोन एज फिलेमेंट ठीक बीचो बीच बीच लास्ट वॉल द फोर्थ वॉल ऑफ द फ्लावर आखिरी एंड द इनर मोस्ट वॉल इज नोन एज ये स्टिग्मा हो गया हेड ये डंडी हो गई स्टाइल ये बेस हो गया ओवरी एंड ऑल ऑफ देम टुगेदर आर नोन एज पार्पल ये एंड्रोशियम है पूरा वॉल इधर पूरा वॉल कहलाएगा गाइनोशियम गाइनोशियम में आपको यूनिट्स मिलेंगे बाय द नेम ऑफ कार्पल पहला वॉल केलेक्स केलेक्स के यूनिट सेपल उसके बाद आता है ब्राइटली कलर्ड कोरोला कोरोला का एक 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 एक, 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 एक यूनिट पेटल थर्ड वॉल

दो ऐसे बल्ब स्ट्रक्चर दिखे अ टिपिकल एंथर इज ऐसा अ टिपिकल एंथर हैज टू लोब्स तो बाई लोब्ड बोलते हैं हम इसको आप इसको कट कर दो और यहां देखो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर्स ऑन द इनसाइड ऐसा दिखेगा ठीक है चार गड्ढे दिख रहे हैं आपको यू सी फोर पोर्ड है ना एक लोब में अगर आप देखते हो ये देखो ये एक लोब है बेटा ये वाला दिस इज वन दिस हर लोब के अंदर दो गैप्स ठीक है कहां तक जाता है ये पूरा नीचे तक जाता है इट्स ए लॉन्गेटनल सेक्शन पूरा नीचे तक ऐसे पाइप्स है पूरा नीचे तक है अंदर थ्री डी ठीक सो इन वन लोब एक लोब में आपको दो कैविटीज मिल रहे हैं दो थैलियां मिल रही हैं जिनमें स्पोर भरे हुए होंगे ठीक है सो ईच लोब ईच लोब इज डाय थीकस डाय थैका थैली थैली क्या स्पोर कैरी करने वाली थैली ठीक है इच लोब इस तो टोटल कितने हो गए चार टोटल कितने हो गए एक दो तीन चार सिंस आर टोटल ऑफ फोर सच कैविटीज चार गड्ढे हैं जिसमें स्पोर बनेगा गड्ढे जिनमें स्पोर बनता है उसको क्या कहते हैं स्पोरजियम यहां कौन सा स्पोर बनेगा मेल स्पोर बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम वन गड्ढा इज नोन एज माइक्रो स्पोर एंजियम बट हाउ मेनी डू यू हैव वन टू थ्री फोर तो एक आंथर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेटरा स्पोर एंजीएट टेट्रा स्पोर एंजीएट शाबाश गुड डन डन क्लियर ठीक अब हमें जाना है अंदर अंदर क्या हो रहा है इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं लेकिन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बीचों बीच बैठे हुए बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जिनमें होगा माइक्रो स्पोर मदर सेल यहां तक जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऑल आर डिप्लॉइड ऑल आर डिप्लॉइड क्योंकि हम स्पोरोफिटिक जेनरेशन में हैं ऑल आर डिप्लॉइड कहीं मियोसिस हुआ है नहीं चेंज होने के लिए या तो भाई मियोसिस हो या सिंह भी हो कुछ तो हो या तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा एंड इट विल फॉर्म अ टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स की प्लॉइडी एन डिप्लॉइड से हाप्लॉइड अगर आप हो गए तो प्रोसेस कौन सा हुआ होगा मियोसिस मी, उसेज। मी उसेज। ठीक है बढ़िया ठीक है बच्चे जी चलो अब आती है बात ये चारों के साथ जुड़े रहेंगे नहीं इन चारों को हम अलग अलग करेंगे दीज फोर आर सेपरेटेड ठीक ये अलग कर दिए जाते हैं हर एक माइक्रोस्पोर विल अंडर गो माइटोसिस दो सेल्स बन गए एक बड़ा सेल नोन एज वेजिटेटिव सेल स्मोलेस्ट सेल नोन एजरेटिव सेल वेजिटिव सेल और जेनरेटिव सेल की मुझे प्लॉइडी बताओगेक्शन में एक बार प्लॉइडी बता दो इच माइक्रोस्पोर इच माइक्रोस्पोर सारे कोई डिजेनरेट नहीं हो रहा चारों के चारों आगे जाके दो सेल स्टेज में आ जाएंगे वट इज द प्लॉइडी ऑफ वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल गुड अनुप्रिया अहमद गुड बेटा शाबाश गोलू गुड हैप्लॉइड दोनों हाप्लॉइड है ठीक जेनरेटिव सेल में एक और डिवीजन होगा एक और माइटोसिस अनदर माइटोसिस इन जेनरेटिव सेल एंड यू गेट वन लार्ज इरेग्यूलर शेप्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस और उसमें तैरते हुए दो ऐसे स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव है ठीक है एक वेजिटेटिव ये वेजिटेटिव ही है और ये दोनों हैं मेल गेमी दिस इज नोन एज अ मेच्योर पोलन इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इस आउटर कवरिंग को एग्जाइन बोलते हैं पीछे भी बोला था इसको ठीक है दिस इज अ मैच्योर पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन बेटा आप जानते हो मेच्योर मेल गेमीटो फाइट मेच्योर मेल गेमिटो फाइट इज नथिंग बट पोलन ग्रीन पोलन ग्रीन को डिस्पर्स कैसे करना है इंसेक्ट इट कुड बी यू इट कुड बी एनीथिंग ठीक है पोलिनेशन का पोलन को एंथर से निकाल के स्टिग्मा पे पहुंचाने के लिए प्लांट ने अब अलग अलग भिन्न भिन्न -भिन प्रकार के तरीके ढूंढ लिए हैं जहां पे वो टेरिडो फाइटर तक मेल गेमीट को ट्रांसफर कराने के लिए एल्गी ब्रायोटेडो में प्लांट वाटर पे डिपेंडेंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फिर जिम्नोसपोम में उसने विंड का इस्तेमाल किया और अब वो लिटरली इट इज यूजिंग ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर पॉलिनेशन ठीक थ्रू एयर विंड वॉटर एनिमल बर्ड इंसेक्ट स्नेल स्नेक चमगादड़, बिल्ली छिपकली सब सब यूज कर डाला ठीक है तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं थोड़ा मेल मेचोर मेल गमीटो बन गया जिसके अंदर दो मेल गेमीट्स हैं। इसको छोड़ दिया यहीं पे कहानी फीमेल पे आ जाओ दिस एक बार रिवाइज करा दू के अंदर फिल्मेंट आंथर को कट किया आपको मिलेगा अंदर चार कैविटीज जहां माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोर बनते हैं तो माइक्रोस्पोरानियम कैविटी का नाम हुआ माइक्रोस्पोरानियम में आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसको आप पोलन मदर सेल भी बोल सकते हो ठीक है दिस कैन ऑल्सो बी नोन एज पोलन मदर सेल तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीएमसी बोल देते हैं मेडम पोलन मदर सेल मदर सेल में मियोसिस होगा आपके पास बनेंगे चार माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर विल गो फॉर फर्दर डिजन उसमें होगा माइटोसिस एक माइटोसिस से बनेंगे दो सेल एक बड़ा सेल एक छोटा सेल सो दिस इज माइटोसिस सिमेट्रिक नहीं है सिमेट्रिक माइटोसिस में तो दोनों सेल्स से इक्वल डिवाइड होते हैं यहाँ इक्वल डिवाइड हो रहे एक बड़ा बन रहा है सेल एक छोटा बन रहा है सेल छोटा जेनरेटिव सेल बड़ा वाला सेल इज लार्ज विद लार्जर साइटोप्लाजम मोर फूड मटीरियल सब कुछ

When you look at carpel, हमारे पास मेन कंसर्न है ओवरी ठीक है आप ओवरी को देखते हो गए स्टिग्मा स्टाइल हटा दो इफ यू लुकेट दी ओवरी तो आपको अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलेगा ओव्यूल ठीक है जिस पॉइंट पे ओवरी को टच कर रहा होगा दिस इज नोन एज प्लेसेंटा प्लेसेंटा इज न्यूट्रिटिव न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको लेकिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड मेजरली एंजियोस्पर्म्स में वो इन्वर्टेड वाला ओव्यूल ये इन्वर्टेड ओव्यूल जिसमें कि डंडी ऑफ ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल इसका डिस्कशन हम जिम्नो में भी कर चुके हैं ठीक है कवरिंग्स इन टेग्यूमेंट फोर माइक्रोपाइल ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल चलाजल एंड बीच में पूरा का पूरा टिश्यू दिस कंप्लीट टिश्यू दिस कंप्लीट टिश्यू इज नोन एज न्यू सेलस जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड यहां तक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डिप्लॉइडी मियोसिस नहीं हुआ है अभी यहां तक जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा ठीक है अब ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर में क्या होगा वो एक रिपीट पे है. सेम कुछ एक दो स्ट्रक्चर अलग बनाते हैं नहीं तो हम सब सेम बनाते हैं ठीक अब इस न्यू सेलस के अंदर एक सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड कौन सा कलर दिखेगा रेड इधर वन सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बोले आज से अपोलेज भगवान है इसका भगवान है एटलीस्ट इस पेड़ का दो है बोले हम हैं मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल टू एन हंडर गोज मियोस टू फॉर्म वही फिर से चार मेगा स्पोर्स मेगा स्पोर्स, स्पोर्सॉयडीप्लॉइड मेगा स्पोर बना मतलब कौन सा प्रोसेस हुआ विच प्रोसेस टेक टू प्लेस जल्दी कमेंट सेक्शन डिप्लॉइड से हैप्लॉयड हो गए हो कौन सा प्रोसेस हुआ होगा और चार सेल्स बने वन टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड अदर टुवर्ड्स द चलाजल एंड उल्टा है ना ओव्यूल देखो इन्वर्टेड राइट right. क्या प्रोसेस हुआ था वहां किस ब्लू से मियोसिस मियोसिस के होने के बाद एंड और एंड पे चार लाइन में सेल्स बन जाएंगे जो कल जिम्नो में भी हुआ था है ना सेम चीज जिम्नो में हुई थी ओव्यूल में, में मेगास्पोर मदर सेल मिलता है न्यू सेलस में न्यू सेलस में जाने के बाद चार मेगास्पोर बनते हैं उनमें से तीन डिजेनरेट हो जाते हैं एक बचता है वहां जो तीन डी जनरेट हो रहे थे देवर टूअर्ड्स द चिलाजल एंड नोट्स में देखो नोट्स में देखो यू विल फाइंड कि जिम्नोस्ट फॉर्म्स में नीचे वाले तीन चलाज एंड वाले तीन डी हुए थे माइक्रोपाइल वाला बच गया था ठीक है यहां उल्टा यहां थ्री टूअर्ड द माइक्रोपाइल आर डी दिस इज रिमेनिंग एज अ फंक्शनल फंक्शनल मेगा स्पोर कौन सा चलाजल एंड चार बनेंगे यहां लाइन में सबसे नीचे वाला फंक्शनल रहेगा जिम्नोस्पोम्स में माइक्रोपाइलर एंड वाला मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है यहां पे चलाजल एंड वाला माइक्रो मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है अब दिस मेगा स्पोर विल अंडरगो माइटोसिस वहां में कंपेयर करो जब मुझे माइटोसिस कर करके मैंने ब्लू कलर का इंडोसफॉर्म बना दिया था ठीक ठीक है है डिवाइड हो जा रहा वहां प्रॉब्लम क्या गई थी बहुत बड़ा मास बना यहां नहीं करना हमें ऐसा कुछ यहां पे हम इस फंक्शनल मेगा स्पोर को लेंगे इसमें कराएंगे माइटोसिस फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस तो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे लेकिन सेल एक ही रहेगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस ओनली न्यूक्लियस विल डिवाइड साइटोप्लाज्म इज नॉट गोइंग टू डिवाइड तो बाय न्यूक्लियट हो गया सेल फिर से चार हो जाएंगे सेल इसके बाद फिर से आठ हो जाएंगे सेल्स कितने माइटोसिस हो गए माइटोटिक जनरेशन काउंट करना जरा पहला माइटोसिस अनदर माइटोसिस थर्ड माइटोटिक जेनरेशन टोटल कितने न्यूक्लियस आ गए आठ न्यूक्लियस आ गए किसी का भी मैंने साइटोप्लाज्म नहीं डिवाइड किया था मैंने सबका न्यूक्लियस डिवाइड किया था सबका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना बचा है और एक साथ होगा सबका साइटोप्लाज्म एक साथ डिवाइड होगा यहां तक ड्रॉ कर लिया बेटा सो so, यहां पे देखो एक मियोसिस दो माइटोसिस एक मियोसिस तीन माइटोसिस आप कह सकते हो थ्री माइटोटिक जेनरेशन तीन माइटोटिक जेनरेशन हुई है क्योंकि देखो ध्यान से देखना इस माइटोसिस में तो एक ही माइटोसिस हुआ लेकिन जब मैंने ये माइटोसिस तो कराया तो इसमें और इसमें दोनों में माइटोसिस हुआ है कि नहीं ठीक है फिर जब इसमें माइटोसिस कराया गया तो चार में माइटोसिस हुआ तो एक माइटोटिक जेनरेशन सारे डिवाइड करेंगे फट चार एक से दो, दो से चार चार से आठ ठीक दिस नाउ एट स्टेज विल टेक एन अरेंजमेंट ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट नोन एज एम्ब्रियोसैक इसका अरेंजमेंट हो जाएगा कुछ ऐसा दिस इज द चलाज एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड ठीक है नीचे की ऊपर की तरफ बनाते पहले ऊपर की तरफ तीन बनेंगे एंटी पोडल्स थ्री एंटी पोडल ऊपर से एक न्यूक्लियस बीच में आएगा नीचे से एक न्यूक्लियस ऊपर आएगा ऊपर से एक नीचे आएगा नीचे से एक ऊपर चला गया बीच में आ गए दो न्यूक्लिया क्योंकि चार ऊपर थे चार नीचे थे बेटा चार ऊपर थे चार नीचे थे तो अब दोनों पोल से एक एक बीच में आया इसलिए इसका नाम गया हमारे पास पोलर न्यूक्लिया एक एक-एक एक-एक नो, एक -एक पोल से आया एक एक न्यूक्लियस ठीक है जिस सेल में पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है ये पूरा सेल जिसमें पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल क्या बोला इसको सेंट्रल सेल ठीक है सेंट्रल सेल नाउ एट द बेस एट द माइक्रोपाइलर एंड आप समझ रहे हो कि अगर ये एम्ब्रिय इधर बन रहा है तो नीचे पहुंच गए माइक्रोपाइलर एंड पे एक ओवरव्यू भी बनाऊंगी मैं एंड में पूरे का ठीक है फुल ओवरव्यू बनाएंगे उसमें समझेंगे चीज को कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ठीक है ये पूरा का पूरा इधर इधर माइक्रोपाइलर एंड पे यू विल फाइंड थ्री सेल्स अगेन ये है एग एग इज फीमेल गेमीट एग इज फीमेल गेमीट ये दो जिसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इन दोनों को हम कहते हैं सिनोज एग एंड सिनोज टुगेदर आर नोन एज एग एपरेटिस लिख लेना दो सनर्जेड एक एग साथ में कहलाता है एक एपरेटस ठीक है और ये फिंगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज फिली फॉर्म एपरेटस फिली फॉर्म एपरेटस ठीक है दिस सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर मैम सात सेल कहां से हुए न्यूक्लियस गिन लो पहले तीन ऊपर दो बीच में तीन नीचे आठ न्यूक्लियस हो गए मेरे पास तीन सेल्स ऊपर तीन सेल्स नीचे छह और एक बीच का सेंट्रल सेल सात आई हैव सेवन सेल्स सो सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट सैक सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएट

हो गए खिचड़ी नोट्स में यहाँ बीच में तुम्हारे पास जगह बचनी चाहिए मेरे पास बोर्ड पे नहीं है बट यू शुड लेफ्ट क्योंकि आप लेफ्ट राइट शुरू किए थे दोनों पेजेस पे तभी मैंने बीच में बोला था यहां से शुरू किया था लेफ्ट गए मेल राइट गए फीमेल ये यहां तक पहुंचा होगा अभी शुड भी सम स्पेस इन द मेल पूरा पेज खाली बचा होना चाहिए हाँ खिचड़ी हो गया आ, कोई नहीं ठीक तो यहां से पहुंचे हम इधर और यहां से पहुंचे हम इधर नंबरिंग कर दू क्या है रोज की वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और इधर वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दोनों तरफ आठ सात आठ 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 स्टेप हुए हैं बराबर ठीक है लास्ट में लिखेंगे सातवें रेडी तो मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में अरे ये वालों ने जिंदगी खराब करी हुई मेरी रेडी चल मूव आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पेज यू कैन ड्रॉ इट ऑन द सेम पेज जो मैं अभी लिखूंगी वो आप सेम पेज पे ड्रॉ कर सकते हो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूं ठीक और आपको ओवरव्यू भी बता रही हूँ तो एम्ब्रियो सैक बन गया था यहां पे पोलेंड ग्रेन बन गया था ठीक है एक बार मुझे भी सोच ले तुम लोग यू घूम के बीच में आ गए हो ना लेफ्ट राइट जाके यहां आ गए हो अब यहां से हम वापस जाएंगे ठीक है सो so, ठीक एवरी थिंग इन वन सिंगल स्ट्रक्चर तो आप लोग यू यू घूम के आए ना बीच में आ जाना ठीक है दिस इज योर ओवरी स्टाइल एक बार छोटा बनाया क्योंकि वो तो वैसे भी गिर जाएगा फेक दिस इज ओवरी वॉल ओवरी वॉल ठीक ओवरी वॉल के अंदर आपको मिलेगा बेटा ओव्यूल व्यूल येलो वाला ठीक है ओव्यूल का ये क्या स्ट्रक्चर है इंटेग्यूमेंट्स ठीक है इंटेग्यूमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यू सेलस दे प्रोटेक्टिंग न्यू सेलस ठीक है लैग तो नहीं हुआ ना हाँ।

दो सीनर्जे डेग एग विफॉर्म ऑपरेटर्स नोन एज एग एपरेटर्स, ठीक है बीच में दो पोलर न्यूक्लिया ऊपर की तरफ तीन एंटीपोटल्स सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ठीक है अब वो जो पीछे पोलन ग्रेन बना था ये इसको हमने डिस्पोज उड़ाया से निकला ये डईसेंस हुआ चाहे विंड से जाए चाहे पानी से जाए चाहे इंसेक्ट लेके जाए इसको कोई भी हो हमारा पोलन अल्टीमेटली आके लैंड कर जाना है स्टिग्मा के ऊपर ये इधर ठीक इसने भी बनानी है अब क्या पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब भी ऑलरेडी जिम्नोस्पॉम्स बनवा चुके थे जिम्नोस्पॉम्स ने पोलन ट्यूब बनाना शुरू कर दिया था तो ये महाशय है पूरा ऊपर से लेके पोलन ट्यूब बनाते हुए ये इधर से एंट्री मारा पूरा साथ साथ, साथ, साथ आएगा ठीक है यहां से एंटर करेगा इधर पहुंचे थोड़ा सा लाइट रेड कलर दिख रहा है इतना ही दिखाना है बस एरो दिखाना है मुझे रेड का इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रही हूं आई एम नॉट यूजिंग रेड टू मच आई नो नहीं दिखता बट यहां से ट्रेवल कर गया वॉल वॉल के अंदर 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 फ्यूनिकल से निकलता हुआ माइक्रोपाइल के अंदर से टूअर्ड द माइक्रोपाइलर एंड ठीक है इससे ज्यादा रेड आई वोंट यूज अब यहां पे पोलन ट्यूब पहुंचती है और बर्स्ट करती है बूम ठीक है मस्त फूटेगी यहां पे पोलन ट्यूब पहुंच के तो ये जो पोलन ट्यूब हमारे पास इधर आई थी ब्लू से बना दिया ठीक है दिस पोलन ट्यूब दैट रीच इज इसमें बिल्कुल आगे आगे हमारा चल रहा होता है वेजिटेटिव सेल ठीक है क्या चलता है वेजिटेटिव सेल थोड़ा सा एक मिनट दे दू लेट्स जस्ट just... मोटा भी नहीं है ना पेन कोई मोटा होता ना तो मुझसे काम चल जाता किससे लाए

खुद भी खराब और दो में से किसी एक को भी फोड़ दिया दो में से किसी एक को जिस को फोड़ा है ना सारा का सारा मटेरियल जो पोलन ट्यूब में था अंदर भग जाएगा क्या था पोलन ट्यूब में मटेरियल जो पोलन ग्रेन में था पोलन ग्रेन में क्या था साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गेमिट्स यही तो था अंदर यही चीज नीचे तक ट्रैवल करेगी और जाके सिनाजेड के पास भुड़ूम ठीक है वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ आपके पास यहां पे दो सिनर्जेट में से कोई एक सिनर्जेट टूट जाएगा फट जाएगा कैसे पहुंचा यहां यह तक क्योंकि हमारे प्यारे ये उंगली जैसे हमारे प्यारे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स अंदर बैठ के केमिकल रिलीज कर रहे थे ठीक और उस केमिकल की तरफ ये ग्रोथ शो करता चला गया इट इज शोइंग ग्रोथ टूवर्ड्स द केमिकल इट इज कीमो ट्रॉपिक ट्रॉपिक कीमो, ट्रॉपिक ट्रॉपिक हियर स्टैंड्स फॉर ग्रोथ टूअर्ड्स केमिकल ग्रोथ टूवर्ड्स केमिकल बेटा ये कीमो टैक्टिक नहीं है अभी तक हम वर्ड यूज कर रहे थे कीमो टैक्टिक क्योंकि वो खुद चला जा रहा था पोलन मेल गेमी ट्रेवल कर रहा था इट वॉज फ्लैजला ये पोलन ट्यूब उठ के नहीं पहुंची ग्रो करी है उधर की तरफ इट इज नॉट मूविंग इट इज ग्रोइंग एक्सटेंड हो रहा है ठीक है जैसे अगर आपको यहां से वहां दूर टेबल पे चार्जर रखा है आपको चार्जर उठाना है तो आप उठ के जाओगे टैक्टिक ठीक लेकिन अगर आप बूमर हो ठीक है आप पूरा यहां से लेके वहां तक तो एकदम स्ट्रेच होते हो फैलते हो और वहां तो ये जो आप ग्रो कर गए ना उधर की तरफ दैट इज नोन एज ट्रॉपिज्म कीमोट्रोपिक बेंडिंग और करवेचर टुवर्ड्स केमिकल ठीक है यहां पर मेल गेमीट रिलीज कर दिए जाएंगे भाई साहब शाबाश तो दोनों मेल गेमिट्स को अंदर रिलीज कर दिया गया जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल गया बाय बाय टाटा मर गया फटा भुड़ूम वो ब्लास्ट में गया ब्लास्ट में ये गया ये गया ठीक है यहां वेजिटेटिव सेल है वो भी गया दो मेल के मीट बचे ये दो मेल के मीट जाएंगे और इसके साथ फ्यूज कर जाएंगे एक और दूसरा जाएगा एक के साथ फ्यूज कर जाएगा एक मेल गेमीट पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करेगा दूसरा मेल गेमीट एग एक के साथ फ्यूज करेगा अब हो क्या रहा है सारे इवेंट्स देखो ये ब्लास्ट के बाद भ्रूम के बाद क्या हुआ आगे राइटिंग डाउन ईच एंड एवरी इवेंट आफ्टर ब्लास्ट ऑफ पोलन ट्यूब इन ग्रीन ठीक एंटीपोडल्स एफी मेरिल दैट मीन्स शॉर्ट लिव्ड ये तो पहले ही टपक लेंगे खत्म जब तक ट्यूब आती है तभी तक ये बोले हमारा हम कोई काम तो है नहीं हम तो ऐसे ही थे देख रहे थे जेसीबी की खुदाई ठीक है हम तो बस यू ही थे भाई हाँ हाँ हमारे होंगे वेरी क्विकली इसलिए उनको बोला एफी मैरल एफीमेरल मीन शॉर्टलिफ्ट यहाँ पे ये यह दो पोलर न्यूक्लिया है पोलर न्यूक्लिया देर ठीक है Haploid, प्लस हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज कर जाता है बनता है सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस इसकी हिप्लॉयडी टू एन हो गई बेटा फ्यूज कर गया ना आपस में आपस में फ्यूज कर गया दोनों सारे के सारे तो एग जैसे ही है ये जेनेटिकली एवरीथिंग इज सिमिलर टू एग फ्यूज कर गया डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ जाके मेल गेमीट फ्यूज कर जाता है वन मेल गेमीट वन मेल गेमीट फ्यूज विद दिस है एक मेल गेमीट और दो पोलर न्यूक्लिया साथ में जब फ्यूज करे सो दिस फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर और अ सेल नोन एज प्राइमरी हेंडोसफॉर्म न्यूक्लियस ploidy is 3n p e n प्यार से क्या बोला P E N, ट्रिप्लॉइड आप ना एंडोस्पोम ट्रिप्लॉइड इसी का इंतजार था तुम लोगों को राइट इसी का इंतजार था इतने टाइम से तो पोलर न्यूक्लिया फ्यूज किया सेकेंडरी न्यूक्लियस बना सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके मेलगेमीट बनाया आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पोम क्योंकि यहां टोटल तीन न्यूक्लियस फ्यूज किए दो पोलर और एक मेल गेमीट बिकॉज थ्री न्यूक्लिया टूगेदर दिस फिन इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन दिस फिन इज नोन एज ट्रिपल यूजन ओवरऑल थ्री न्यूक्लियाई वर इन्वॉल्व क्लियर कुल एक से नजर तो पहले ही बेचारा खराब हो गया था उसमें तो बुम बड़ाम धड़ाकर गोलियां चल गई ये तो पहले गया डी जेनरेटिंग सिर्जेट दूसरा बचा हुआ था Persistent. Persistent हमारा बचा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा सिनर्जेट का जो काम था उसने कर दिया काम किया था कि उसमें फिलीफॉर्म अपरेटर्स होगा और वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ गाइड करेगा यह काम करना था कर दिया एक पहले जल्दी डी जनरेट हो गया एक बाद में हो जाएगा कोई नहीं लेकिन दर मेल गेमीट गोज इन फ्यूज विद Egg plus the other male gamete fuses to form zygote. The next generation. Ploydy 2N. Ploydy 2N. Take. क्या है ये तो ये तो नॉर्मल है ये तो हमेशा होता आया है मेल गेम एंड फीमेल ऑलवेज फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म इज़ द प्रोसेस कॉल्ड कॉल्डेमी बट ये चीज तो हमेशा से होती आई ना हर प्लांट में हुई है तो एल्गी से लेके अभी तक हर प्लांट में हो रही है इसमें कुछ नई बात नहीं है लेकिन ये कभी नहीं हुआ ट्रिपल फ्यूजन कभी नहीं हुआ ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों से एक साथ भी कभी नहीं हुआ ट्रिपलोइड एंडोस्पम कभी नहीं बना है ना इट इज ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन विच इज एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पम्स ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एनजियोस्पम्स में होती है पांच कैटेगरी प्लांट है सिर्फ एनजियोस्पम्स में हो रही है दीज टू टूगेदर आर नोन एज Double fertilization An event exclusive to angiosperms. एक्सक्लूसिव टू एनजीओ ठीक है अच्छा अगर आपसे कोई ये पूछ ले इस ट्रिपल फ्यूजन एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स यस इज डबल फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी में होता है हाज सिम गेमी एक्सक्लूसिव टू एंजियोस्पर्म्स नो क्योंकि सिन गेमी तो हमेशा से होता आया है ठीक है बाकी अब क्या होने वाला है अब क्या होने वाला है एंटीबोड तो टाटा बाय बाय पहले हो गए थे दोनों निकल लिए पीई एन इज फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियस। एग गेट्स फर्टिलाइज एंड बिकम जाइगोट विल डेवलप इन टू एम्ब्रियो वही कहानी वापस चल रही लेकिन अगर आपको याद हो एक स्ट्रक्चर हमारे पास यहां पे बचा हुआ बेटा ये

स्टाइल स्पीग गिर जाएगा ऑब्वियसली जाइगोट विल डिसाइड कि अब जिंदगी में कुछ बड़ा बनना है एम्ब्रे दिस एम्ब्रे इज नाउ प्रेजेंट इन साइड द सीड ये तो ये पहले से ही रहना सीख गया जिम्नोसपोन से इसको सीड में रहना आता है एम्ब्रे इज फाउंड इनसाइड साइड

एंड दिस इज एक्सक्लूसिव ठीक है शाब क्लियर एम आई क्लियर ठीक यहां का सारा एंडोज खाते 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 आपका एम्ब्रियो बड़ा होगा बाहर का न्यू सेलस खाते 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 एम्ब्रियो बड़ा होगा ये ओवरी वॉल विल बिकम फ्रूट वॉल इंटेग्यूमेंट विल बिकम सीड कोट और फिर से जहां पे भी साया सामने जाके कहीं भी सीट गिरेगा फॉर्म्स अनदर प्लांट ओहो है क्या अभी बेटर आएगा रुको अभी बेटर फर्टिलाइजेशन हाँ, so एक बार हो गया style stigma गिर जाएगा, ओवरी बन जाएगा fruit, ओवरी की वॉल बन जाएगी फ्रूट वॉल इंटेग्यूमेंट बन जाएंगे सीड कोट सब कुछ खा पी के अंदर आपका एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा क्या प्रॉब्लम हो गई भाई अभी ठीक है नहीं कैसे ठीक हो सकता है यार यहीं पे नहीं दिखा रहा आई नो एम जस्ट एंडिंग ये खत्म ही नहीं होता ठीक है दिस इज we वी एंड चैप्टर ठीक चैप्टर भी खत्म पांच बजे स्पेशल क्लास में मिलते हैं

एक साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कोड में लाइव यू नो व्हाट टू डू एंड ये है आपके कॉम्बो ऑफर्स जो चल रहे हैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ पे अभी एंड स्कॉलरशिप एग्जाम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो इफ यू कैन नॉट अफोर्ड अ सब्सक्रिप्शन हाँ कुछ तो नेटवर्क इशू हो गया उट दब्सक्रिप्शन यू कैन गो फॉर द स्कॉलरशिप एग्जाम ऑल्सो ठीक है कोड वही रहेगा बेटा कोमन लाइव एंड थैंक यू सो मच आई विल सी यू टूमोरो बापरे आई नो बहुत ज्यादा लागू बच गया बेटा टॉपिक खत्म होने से पहले टॉपिक खत्म होने से पहले बच गए चलो टेक केयर थैंक यू सो मच यूज कोमन लाइव कोड लाइक शेयर सब्सक्राइब